आप देख रहे हैं TNB। कलकत्ते से पतंग बनती है, जयपुर में पतंग बनती है, बरेली में पतंग बनती है, मांगा बरेली में बनता है। जैसे पहले बहुत ज्यादा सेल होती थी, वो इतनी ज्यादा सेल नहीं है, काफी फर्क है। फर्क पड़ा है लेकिन फिर भी काफी कंफर्टेबल है। जो बीमारी चल रही है उसको भी लोग बाग डर के चल रहे हैं वैसे, और पतंग भी ले रहे हैं, आ रहे हैं। पहले जैसा था ना वैसे अब नहीं है, बहुत मंदा है। सेल के अंदर जो पहले जो हमारी सेल थी उसमें से आधा पड़ा। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। दिल्ली में तो कई सारे पतंग मार्केट है, लेकिन दिल्ली का ये जो लाल कुआ पतंग मार्केट है ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, और यहाँ पर लोग आके काफी ज्यादा पतंग खरीदते हुए भी नजर आते हैं, क्योंकि ये दिल्ली का होलसेल पतंग मार्केट है जहाँ पर पतंग काफी सस्ते दामों में मिलता है। ऐसे में अब सामने स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है, तो ऐसे में आइए इस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इस मार्केट में स्वतंत्रता दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है। तो आइए मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और इसके साथ ही यहाँ के दुकानदारों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कोरोना की वजह से उनकी बिजनेस पे, उनके कारोबार पर कितना ज्यादा असर देखने को मिला है। तो आइए चलिए मार्केट एक्सप्लोर किया जाए। स्टॉल लगी हुई है और यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी ज्यादा तैयारियां देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना अच्छा सा ये एक यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे हाथ वाले बैंड रखे हुए हैं, यहाँ पे तिरंगा वाला कैप रखा हुआ है। तो वहीं यहाँ पर आप ये बैंड देख सकते हैं, ये हाथ वाला जो बैंड है ये भी यहाँ पर देखने के लिए नजर आ रहा है। तो ये पूछ लेते हैं कि आखिर इनका दाम कितना, ये भैया बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमान। अच्छा, इस बैंड का कितना दाम? ₹10। और ये वाले? ये भी ₹10। और ये जो कैप देखने के लिए मिल रहे हैं, इन कैप के कितने प्राइस? ₹20। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो भैया है इन्होंने दाम बताया कि यहाँ पर ये ₹20 का कैप है और ये सारे जो बैंड्स है ये ₹10 और ₹20 के अंदर ही आ रहे हैं। तो इसके साथ चलिए हम मार्केट में और घूमते हैं और देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर और मार्केट में क्या कुछ तैयारियाँ की गई है। प्राइस है वो क्या बता रहे हैं और इसके साथ ही इनके कारोबार पे कोरोना की वजह से कितना फर्क पड़ा है। भैया, ये जो छोटे छोटे प्यारे से पतंग है इनका क्या प्राइस है? ₹10। ₹10 के है, तो बच्चे इसे पसंद करते हैं, लेकर जाते हैं? जी, लेकर जाते हैं। तो अभी जिस तरीके से अभी ये देखने के लिए मिल रहा है कि ये स्काई लालटेन है, इसका क्या प्राइस है? ₹20। अच्छा, तो एक बात बताइए कि कोरोना के वजह से काम पे कुछ फर्क पड़ा है, कारोबार पे कुछ असर बिगड़ा है? थोड़ा सा पड़ा है फर्क। जी, फर्क पड़ा है लेकिन फिर भी काफी कंफर्टेबल है। अच्छा, पहले से जब से मार्केट खुली है तो राहत है आपको? जी, राहत है। तो अभी जैसे पहले भीड़ आती थी उसी तरीके से भीड़ अभी देखने के लिए मिल रही है? सामान बिक रहा है आपके? जी, बिक रहा है बिल्कुल। अच्छा, लोगों में स्वतंत्रता दिवस को देख लेकर जो है एक्साइटमेंट नजर आ रहा है? जी, आ रहा है। तो
तो इस वक्त एक और दुकान में हम आ चुके हैं जहाँ पे बहुत सारे कलरफुल पतंग देखने के लिए मिल गए हैं। तो ऐसे में आइए दुकानदार से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके पास कितने वेरिएशन के पतंग हैं और किस प्राइस रेंज के पतंग उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। तो आपके पास कौन कौन से टाइप के पतंग हैं? हमारे पास ये रामपुर की, बरेली की, ये जो पतंग नॉर्मल चलती है सबसे ज़्यादा वही है, और स्टार्टिंग 3 रुपये से लेके और 20 रुपये तक की पतंग है। 3 रुपये से लेके पतंग है? हाँ, स्टार्टिंग 3 रुपये से और 20 रुपीज़ तक है। 3 रुपये वाली पतंग कौन सी है? पतंग वो छोटी पतंग होती है। अच्छा, ये वाली जो पतंग है, ये वाली जो पतंग है, पैकेट में बिकती है बच्चों के लिए। अच्छा। ये सिर्फ इसमें 15 पतंग है, ये 20 रुपये का पैकेट है, 30 रुपये का पैकेट है, ऐसे है। वैसे ज़्यादा उड़ते वाली पतंग ये वाली होती है। अच्छा। ये हाँ, 6 रुपये की एक पतंग है। अरे, वो प्लास्टिक वाली पतंग होती है? ये फैंसी पतंग है, ऐसे बच्चे को ज़्यादा पसंद आती है। ये 20 रुपये की है, 15 की है। हाँ, इसमें भी वैरायटी बहुत सारी होती है, अलग अलग कलर है बहुत सारी। अच्छा, अभी स्वतंत्रता दिवस को लेकर कुछ तिरंगे वाली भी पतंग आपने रखी है? जी, ये तिरंगा टंगी हुई है सामने, ये भी काफ़ी इसकी डिमांड रहती है काफ़ी। अच्छा, ये तिरंगे वाली पतंग की काफ़ी डिमांड रहती है? हाँ। ये कितने में आप बेचते हैं? ये भी 6 रुपये का रेट इसका। अच्छा, 6 रुपये का। एक बात बताइए कि कोरोना के वजह से कारोबार पर कोई प्रभाव पड़ा है कि नहीं? हाँ, काफ़ी। हाँ, जैसे पहले बहुत ज़्यादा सेल होती थी, वो इतनी ज़्यादा सेल नहीं है, काफ़ी फर्क है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि जैसे मार्केट में पहले की तरह भीड़ देखने के लिए मिल रही है या फिर लोग कोरोना से डर रहे हैं? नहीं, कोरोना से डर रहा है खैर इतना, लेकिन ये है कि लोगों के पास कैश ही कमी है थोड़ी, पैसा मतलब काम वाम लोगों के हल्के हैं, आपको भी मालूम होगा इतना तो। खैर, तो इस वजह से काम वो वाला नहीं है जो पहले बहुत ज़्यादा काम होता था, ऐसा काम नहीं है, काम पर फर्क पड़ा है काफ़ी हद तक। तो क्या लग रहा है कि मार्केट को वापस से पूरे स्ट्रेंथ में आने में कितना टाइम लग जाएगा? वापस से पहले जैसा मार्केट होने में कितना वक्त लग जाएगा? स्ट्रेंथ आ जाता है, लेकिन जो उन्होंने तीसरी लहर का मसला डाला ना, ये तो लोगों में डर बैठ गया इसकी वजह से, तीसरी लहर की वजह से लोगों में डर है थोड़ा सा, आने वाले टाइम में क्या होगा क्या, तो इन्वेस्ट करने में लोग थोड़ा सा झिझक रहे हैं। पतंग की बात नहीं, मैं वैसे नॉर्मली बात बता रहा हूँ आपको, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत होगी, लोगों में कैश कम है। तो इस वक्त हम एक और दुकान में खड़े हैं जहाँ पर बहुत सारे रंगीन जो है पतंग देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी दुकानदार जो है उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रंगीन पतंग जो है इनके कितने दाम है और इसके साथ ही कोरोना के वजह से उनके भी कारोबार पे असर पड़ा भी है या फिर नहीं। अच्छा अंकल, ये जो पतंग, जो कलरफुल पतंग दिख रहे हैं, ये क्या आप लोग यहीं बनाते हैं या फिर कहीं से लेकर? अलग अलग शहरों से आती है, कलकत्ते से पतंग बनती है, जयपुर में पतंग बनती है, बरेली में पतंग बनती है, मांगा बरेली में बनता है, अलग अलग शहरों के अंदर से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो पतंगें बनाती है, उनसे हम खरीदते हैं और शहर ले जाकर पतंग बेचते हैं। अच्छा, कहते हैं कि ये होलसेल मार्केट है, यहाँ से लोग होलसेल में के दाम में जो है पतंग लेकर जाते हैं, तो एक बार में कितना पतंग आप बेच देते? 100 साल पुरानी मार्केट है ये, लाल कुआं जिसे कहते हैं, 100 साल पुरानी मार्केट है, यहाँ होलसेल के अंदर लाखों करोड़ों अरबों पतंगें बिकती हैं, एक एक दुकानदार जो है ना, ये समझ लो जी 25 लाख 30 लाख पतंगें बेचता है बारहों, ये और यहाँ पर 3-4 दुकानें हैं जो होलसेलर हैं, जो सब 12 महीने की दुकानें हैं, जो और जगह जयपुर में, कलकत्ते में और अहमदाबाद सप्लाई होती है यहाँ से पतंग, मगर बनती जो है छोटे छोटे शहरों के अंदर है, जैसे आगरा हो गया, वहाँ भी पतंग बनती है, चरखी बनती है, और जयपुर है, जयपुर के अंदर पतंग बनती है, फिर कलकत्ते के अंदर छोटे छोटे गांव देहातों के अंदर पतंग बनती है, सालों से पतंग बनती है, ये सीजन बाई सीजन के अंदर आके यहाँ पर आती है, फिर यहाँ हम लोग दुकानदारों से दुकान लेते हैं, फिर हम यहाँ बेचते हैं। ये छोटे छोटे भाई हैं मेरे, ये मेरे साथ लगे हुए हैं, क्या समझे। अच्छा, एक बात बताइए कि मतलब आम दिन पे जो है ये पतंग ऐसे ही बिकते हैं या फिर 15 अगस्त को लेकर अभी सेल जो है बढ़ चुकी है? 15 अगस्त पे तो 100 गुना सेल बढ़ जाती है, आम दिनों के अंदर तो ये 2% 3% पतंगें बिकती हैं, आम जो शौकीन होते हैं वो पतंग उड़ाते हैं, और 15 अगस्त के दौरान के अंदर हर आदमी पतंग उड़ाता है, आप जैसे लोग आते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में लोग आते हैं, पतंगें लेते हैं, औरतें भी आती हैं, लड़कियाँ भी आती हैं, और उनका हस्बैंड आते हैं, भाई आते हैं, बहन आते हैं, राखी का त्यौहार है, 15 अगस्त का जो त्यौहार है वो मेन त्यौहार है। तो ये कोरोना काल में कोरोना का जो असर है कारोबार पे इस वक्त देखने को मिल रहा है या फिर नहीं? आपको तो पता है कि कारोबार बहुत ठप हो चुका है, जो कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर पब्लिक आती है, बड़ी बड़ी दूर से पब्लिक आती है उसका कारण यहाँ पतंगे लेने, अब वो कम हो गया है, लोगों के पास बजट नहीं है, अब सीजन के बाद ये कि लास्ट दिनों के अंदर ही 2-3 दिन में अब लोग आ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए पतंगे ले रहे हैं, डोर ले रहे हैं, और अपना त्यौहार 15 अगस्त जो है, 15 अगस्त की जो यहाँ पर लाल किले के ऊपर भाषण के बाद पतंग उड़ाने की परमिशन होती है, उसके बाद पतंग उड़ाई जाती है और राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में 15 अगस्त को लेकर लोगों में अभी एक्साइटमेंट दिख रहा है कि नहीं, मतलब कोरोना ज़्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है या फिर 15 अगस्त को लेकर लोगों का एक उत्साह ज़्यादा भारी पड़ रहा है इस वक्त?
जी कोरोना तो अब बीमारी है कि हम चाहेंगे हमारे हिंदुस्तान से कोरोना की बीमारी दूर हो जाए, मगर कोरोना का होने के बावजूद भी 15 अगस्त का जो उत्साह है भैया, बिना मास्क लगाए हुए आप लोग देखें पतंगे ले रहे हैं, आप मास्क लगाएंगे, हमें मास्क लगाए हुए या पतंगे लेने वाले ये नहीं देख रहा है कि बीमारी है क्या है, मगर वो पतंगों पर अभी रात शाम के टाइम देखना और भीड़ हो जाएगी, कंधे से कंधा मिलाकर लोग यहाँ पतंगे ले रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं, आदमी आ रहे हैं, तो हमारी सेल यहाँ बढ़ चुकी है। अच्छा बात बताइए कि ये जो काइट का जो ये पतंग का बिजनेस है इसमें आप कब से हैं? ये कम से कम हो गई कम से 40-50 साल। 40-50 साल। तो एक बात बताइए कि कोरोना का असर मार्केट पर देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं, लोग पतंग खरीदने आ रहे हैं या फिर पतंग कम बिक रही है? नहीं, आ रहे हैं पतंगों। तो ऐसे में कोरोना का ज्यादा असर दिख रहा है या फिर जो 15 अगस्त है उसको लेकर ज्यादा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है? देखो जी, जो बीमारी चल रही है उसको भी लोग वाग डर के चल रहे हैं वैसे, और पतंग भी ले रहे हैं, आ रहे हैं। ऐसे में जैसे पहले पतंग बिकती थी और इस बार जो 15 अगस्त इसमें पतंग बिक रही है, इसमें कुछ अलग है, कुछ फर्क है? फर्क है, आधा फर्क है। खेल के अंदर जो पहले जो हमारी खेल थी उसमें से आधा फर्क है, बीमारी को लेके फटक है। अच्छा, जो पतंग आप बेच रहे हैं तो किस दाम में बेच रहे हैं, किस तरीके से, कितना बंच में इंसान एक एक लेके जाता है या 10, 12, 15 ऐसे लेके जाता है? इसमें लेके जाता है कोई 50 लेके जाता है, कोई 25 लेके जाता है, कोई सैकड़ा 100 पतंग लेके जाता है, समझे? और जो कॉलोनियों के अंदर होते हैं जो बेचारे गरीब होते हैं वो 2-2, 3-3 सौ पतंग ले आके वो बेचते हैं, उनको 2 पैसे मिल जाते हैं। वो ये होलसेल की दुकान है। ऐसे में जैसे ये पतंग है तो इसका कितना दाम पड़ेगा? इसका दाम 6 रुपए का पड़ता है। अच्छा, 1 6 रुपए का पड़ता है और पूरा बंच जो है कितने का आता है? इसका हो गया ना 600 रुपए का हो गया ना ये पूरा पैकेट सैकड़े का। हाँ, ये 6 रुपए पीस पड़ता है तो लोग ऐसे खरीद के ले जाते हैं? हाँ, 6 रुपए का ही होता है और 6 रुपए का 7 रुपए का 8 रुपए का बेचते हैं, और वही यही 4 पतंग फट जाएगी उसका प्रॉफिट खत्म हो जाता है। और ये जो मांझे हैं, मांझे भी आप बेचते हैं? मांझे के अंदर ही बरेली का मांझा भी होता है, इसमें हल्का भी होता है, भारी भी होता है, उसमें तार होते हैं, कोई 3 तार का धागा होता है, कोई 4 का धागा होता है, और जो कच्चा सूत लगा हुआ होता है ना उस पर, वो 6 तारा होता है, उस पर मसाला लगा हुआ होता है, वो भी अच्छा चलता है। ज़्यादा कौन सा मांझा बिकता है? बरेली का भी अच्छा चलता है। मांझे का क्या दाम है? मांझे का दाम है ये कोई 150 रुपये का रील, एक रील पल्ली एक रील, और 300 रुपये की 3 रील की भी चरखी है, 6 रील की चरखी है जो उसकी आपकी 500 की भी है, 550 की भी है। तो इस वक्त हम एक और दुकान के बाहर हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो महिला है ये बहुत अच्छे अच्छे रंग बिरंगे पतंग बेच रही है और साथ में प्यारे प्यारे जो मांझे हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं, देखने के लिए मिलेंगे कि मांझे बेच रहे हैं। तो इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि ये छोटे छोटे जो पतंग है इनके क्या दाम है। अच्छा आंटी, ये जो छोटे वाले जो पतंग है, ये जो प्यारे से पतंग है, इनके क्या दाम है? इनके 30 रुपये भी हैं, 40 रुपये भी हैं, 20 रुपये भी हैं। हाँ, अच्छा आप मांझे भी बेच रहे हैं इसके साथ? नहीं नहीं, मांझे नहीं बेच रहे, हम छोटी छोटी सड्डियाँ बेच रहे हैं बच्चों की। अच्छा, तो अभी खरीद रहे हैं बच्चे आके, मतलब मार्केट पहले जैसा चल रहा है या फिर थोड़ा मंदा चल रहा है कोरोना के वजह? चल रहा, पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा था ना वैसा अब नहीं है, बहुत मंदा है। तो ऐसे में अभी जो है मार्केट में भीड़ भाड़ जो है पहले के मुकाबले कम है या फिर? पहले से कम है, हाँ पहले तो ज़्यादा होती थी भीड़, अब बहुत कम है। ऐसे जैसे नॉर्मल दिन में, आम दिन में पतंग का दाम इतना ही रहता है या फिर सिर्फ 15 अगस्त को लेके पतंग के दाम थोड़े बढ़ जाते हैं? 15 अगस्त को थोड़े बढ़ जाते हैं, देखो हर आदमी 2 पैसे कमाने के लिए बैठा है, गरीब आदमी सब पटड़ी लगा के बैठे हुए हैं, तो थोड़े से पतंग के दाम बढ़ जाते हैं, नहीं तो वैसे नॉर्मल ही चलता है। अच्छा, आम दिन में लोग ज़्यादा पतंग खरीदते हुए नजर आते हैं या फिर अभी 15 अगस्त को लेकर ज़्यादा उत्साह है? कोई थोड़ा ज़्यादा खरीदते हैं, आम दिन में इतना नहीं खरीदते, 15 अगस्त को ही थोड़ा ज़्यादा खरीदते हैं। तो 15 अगस्त को लेकर लोगों में उत्साह देखना है कि लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित दिख रहे हैं कि 15 अगस्त आ रहा है, ज़्यादा पतंग खरीदना है? पहले जैसा नहीं है, जैसा पहले था, अब तो बहुत कम दुकानदारी हो रही है, पहले बहुत होती थी, अब बहुत कम हो रही है, जब से ये मोदी जी बैठे हैं इन्होंने बहुत वो कर दिया, बहुत मजबूरियाँ हो गई हैं, इतना काम धंधा भी नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से मार्केट में इंडिपेंडेंस डे को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, लोग अब भी आ रहे हैं, पतंग खरीद रहे हैं, सुंदर सुंदर पतंग देखने के लिए मिले और स्वतंत्रता दिवस से जुड़े हुए कई सारे सामान, चाहे वो बैंड हो, चाहे वो बैंगल्स हो या फिर चूड़ियाँ हो या फिर बहुत अलग अलग चीज़ें भी यहाँ पर सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिली जो कि इस मार्केट को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हुई नजर आई। ऐसे में इस मार्केट को देखकर साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि कोरोना का
असर तो यहाँ पे कारोबार पे पड़ा ही है, क्योंकि यहाँ पर कारोबार थोड़ा मंदा चल रहा है, लेकिन फिर भी लोगों में 15 अगस्त को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी नज़र आया कि लोग आ रहे हैं और यहाँ पर पतंग खरीदते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच हमें एक चीज़ और देखने के लिए मिली जो कि हैरान कर देने वाली थी और जिस पर किसी दुकानदार ने हमसे खुलकर बात नहीं की। कई कई जगहों पर हमने देखा कि यहाँ पर चाइनीज़ मांझे भी बिक रहे थे, जो कि सरकार के तरफ से मनाही की गई है, जिसे कोर्ट की तरफ से भी मनाही है, जिसे इलीगल करार दे दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इसे बेचते हुए नजर आए, जो कि प्रशासन पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता हुआ नजर आता है कि आखिर प्रशासन क्या इन सब चीजों को देख नहीं रही या फिर देखकर अनदेखा करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर आपको भी ये स्वतंत्रता दिवस पर ये पतंग उड़ाने हैं या फिर आपको पतंग उड़ाना बहुत पसंद है तो आप यहाँ से आकर कई रंग बिरंगे पतंग और बहुत ही कम दामों में पतंग लेकर जा सकते हैं, तो आप भी आइए और पतंग खरीद कर लेकर जाइए। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNV के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।